नेक्स्ट स्टूडेंट हमारा टॉपिक है डंपिंग, ठीक है। सो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट डंपिंग। ये मॉडर्न सेंस वाला डंप करना नहीं है स्टूडेंट्स। कह तो आप बोल सकते हो कि डंप तो वहीं से आया, इंग्लिश है, इंग्लिश का सर पैर तो होता नहीं, अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में अलग अलग तरीके से यूज किया जाता है। तो यहाँ पे डंपिंग कैसे यूज किया जा रहा है उसके बारे में बात करते हैं। देखो डंपिंग का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, किसी भी चीज को मतलब एक तरीके से मतलब रिसीव करना, राइट। तो उसे बोलते डंप करना, छोड़ देना, अबैंडन कर देना, दैट इज डंपिंग। होता क्या है, मान लो कोई भी कंट्री है, ठीक है, वो कोई भी सामान बना रही है, ठीक है, और ये सामान की दो जगह कंजम्पशन होगी, एक इस सामान की कंजम्पशन है डोमेस्टिक लेवल पे जो उनका है, और एक इस सामान की कंजम्पशन है जो कि फॉरेन में होगा। तो डंपिंग इज अ प्रोसेस जिसमें उसको पता है कि जो मेरी डोमेस्टिक मार्केट है, मतलब जिस कंट्री से मैं हूं, इस मार्केट में तो मेरे पास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है, और क्योंकि मेरे पास कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है तो इसकी वजह से एक सॉर्ट ऑफ मेरी मोनोपोली क्रिएट होती है, एंड दैट विल डेफिनेटली हेल्प मी टू चार्ज वॉट एवर प्राइस आई वॉन्ट टू। मुझे पता चल रहा है कि इस मार्केट में तो मेरी मोनोपोली हो गई है, मेरा कोई खास बड़ा कॉम्पिटिटर है नहीं, तो प्राइस स्टूडेंट फिर तो मेरे हाथ में है ना, मैं जो मर्जी प्राइस को चार्ज करना चाहूं मैं कर सकता हूं। लेकिन जब मैं फॉरेन मार्केट में जाऊंगा तो वहां पे आई माइट हैव टू फेस कॉम्पिटिशन, और क्योंकि मुझे कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ सकता है तो फॉरेन मार्केट में आप क्या करते हैं, फॉरेन मार्केट में यू आर ट्राइंग टू सेल द प्रोडक्ट्स एट लोअर कॉस्ट। तो मतलब डंपिंग एक प्रोसेस हुआ जिसमें आप अपनी होम कंट्री में किसी भी प्रोडक्ट को क्या कर रहे हो, कंपटीशन ना होने की वजह से महंगा बेच रहे हो, और दूसरी किसी कंट्री में जाके उस प्रोडक्ट को बहुत सस्ते में बेच रहे हो। और कई बार ऐसा नहीं होता कि आप जानबूझ के कर, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप फॉरेन में मतलब गवर्नमेंट्स अपने कंट्री के एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए, हमने याद एक्सपोर्ट सब्सिडीज पढ़ा था है ना, जब हम थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पढ़े थे, तो वही चीज है कि कई बार क्या करते हैं कि मतलब अपने ट्रेड को प्रमोट करने के लिए वो बहुत सस्ते में भी कई बार क्या करते हैं, प्रोडक्ट्स को बेचना शुरू कर देते हैं बाय गिविंग देम ह्यूज एक्सपोर्ट सब्सिडीज, जिससे कि बस उनकी कंट्री से एक्सपोर्ट बढ़ जाए, ज्यादा से ज्यादा हो जाए और फॉरेन देश में आ सके। तो ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है स्टूडेंट, इन डंपिंग कहलाता है। देखो पढ़ते हैं, एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मोनोपोली इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन इज द एबिलिटी ऑफ फर्म्स टू चार्ज डिफरेंट प्राइसेस इन द डिफरेंट मार्केट। वो कह रहा है कि देखो मोनोपोली मार्केट का एक बहुत स्पेशल फीचर होता है दैट वो अलग अलग मार्केट में अलग अलग प्राइसेस चार्ज कर सकते हैं। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट, बहुत सिंपल सी बात है ना, अगर एक मोनोपोलिस्ट है तो उसको एक बात का पता होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है, कैसे हो पाता है, आपको सबसे इंपॉर्टेंटली आप ना देखो लगातार ये जो इंटरनेशनल बिजनेस है इसका कहीं ना कहीं बहुत सारा फाउंडेशन आपको इकोनॉमिक्स से मिलता है। तो होपफुली आप में से जितने स्टूडेंट्स वीडियो देख रहे हैं उनको इलास्टिसिटी के बारे में पता है। सो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में हम क्या बोलते हैं, अरे वैसे अगर मैं एक बहुत ब्रॉड स्केल पे बात करूं तो इलास्टिसिटी तो टाइप्स में है, तो मैं फिलहाल स्पेसिफिक हो जाता हूँ और मैं बात करता हूँ आपसे प्राइस इलास्टिसिटी। तो प्राइस इलास्टिसिटी इज नथिंग बट प्राइस सेंसिटिविटी, प्राइस के रिस्पॉन्स में आपका गुड कितना सेंसिटिव है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले भी थ्योरी में पढ़ा था कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो इन इलास्टिक है, मतलब प्राइस इनसेंसिटिव है, तो आप प्राइस चेंज भी करोगे तो भी डिमांड पे फर्क नहीं पड़ेगा, स्टिल द कंज्यूमर हैज टू कंज्यूम इट। बट अगर प्राइस इन इलास्टिक है तो फिर दिक्कत आएगी, आप समझ रहे। सो दैट इज कॉल्ड प्राइस इलास्टिसिटी। तो अब बात यह आती है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी की थ्योरी हमारे पास है वो इस जगह पे कैसे काम करने वाली है और किस तरीके से वो काम करेगी, चलो ये समझ लेते हैं। देखो अगर मैं एक मोनोपोलिस्ट हूं और मान लो मेरे को पता है तीन मार्केट है, ए मार्केट है, बी मार्केट है और सी मार्केट है। जैसे एग्जांपल लेता हूं दिल्ली में, मैं दिल्ली में हूं उससे दिल्ली के एग्जांपल ज्यादा ले पाता हूं। तो मान लो ए में मार्केट बात करता हूं, लेट्स सपोज दिस इज द्वारका, ठीक है, और बी मार्केट की बात कर लेता हूं, मान लो ये है कोई साउथ दिल्ली का पार्ट है कोई भी है, ग्रेटर कैलाश वगैरह, ठीक है, और सी मार्केट मान लो ईस्ट दिल्ली का कोई पार्ट है, ठीक है। तो अब आप एक बात समझो स्टूडेंट, आप को पता है कि यहां और यहां ना प्राइस को लेके इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो पीपल लिविंग इन दीज एरियाज द्वारका एंड जो आपका साउथ दिल्ली है, यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं यहाँ पे लोगों के पास अच्छा पैसा है, तो प्राइस सेंसिटिविटी कम है। तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट को ज्यादा रेट में बेच सकते हो, जबकि ईस्ट दिल्ली में कंपेरेटिवली लोअर इनकम ग्रुप के लोग जो ज्यादातर रहते हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, सस्ते बेचना पड़ेगा। दैट इज हाउ इट वर्क्स, बहुत सिंपल टू अंडरस्टैंड है कि प्राइस इलास्टिसिटी कैसे काम करती है मोनोपोलिस्ट के लिए। उसको ये समझना पड़ेगा डिफरेंट डिफरेंट एरिया की जो इलास्टिसिटी है वो क्या है। जब उसको इलास्टिसिटी समझ में आ गई तो इलास्टिसिटी के बेसिस पे वो डिफरेंट मार्केट्स में डिफरेंट प्राइस को इजीली चार्ज कर सकता है, राइट। चलो आगे,
सो द फॉर्म ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन स्ट्रेटजी अडॉप्टेड एट ग्लोबल लेवल इज टर्म्ड एज डंपिंग। तो जैसे उसने द्वारका में अलग रेट पे बेचा, साउथ दिल्ली में अलग रेट पे बेचा और उसने ईस्ट दिल्ली में अलग रेट पे बेचा, तो वो क्या कर सकता है, वो इसी तरीके से अलग अलग कंट्री में भी अलग अलग रेट पे बेच सकता है। और जब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कंट्री के लेवल पे किया जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा स्टूडेंट्स, डंपिंग। फॉरेन कंट्रीज जनरली रेज टैरिफ वॉल्स अगेंस्ट डंपिंग स्पेशली व्हेन इट अफेक्ट्स देयर ओन इंडस्ट्री। जैसे कि हम पहले थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में इसको डेप्थ में पढ़ चुके हैं कि जो फॉरेन की जो कंपनीज होती हैं वो इसके अगेंस्ट होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि यार हमारी खुद की इंडस्ट्रीज से बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगी, राइट। इट इज रिगार्डेड एज एन अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस एज अ फर्म एंड सब चार्जिंग अ लोअर प्राइस फॉर द गुड्स दैट आर एक्सपोर्टेड बाय गिविंग डायरेक्ट सब्सिडीज टू एक्सपोर्ट्स एज कम्पेयर टू गुड्स दैट आर सोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट। वो कह रहे हैं कि ये अनफेयर रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस माना जाता है, क्योंकि फर्म इसमें क्या कर रही है, किसी और कंट्री में तो बहुत लोअर प्राइस चार्ज कर रही है उनको, क्योंकि अपने देश से एक्सपोर्ट सब्सिडीज मिल गई ह्यूज, लेकिन अपने डोमेस्टिक मार्केट के अंदर उसको बहुत हाई रेट पे बेच रही है। अब उसको कह रहे हैं कि डिसरिगार्ड क्यों करते हैं, इट इज बिकॉज रिसीविंग कंट्रीज फेस कॉन्स्टेंट थ्रेट्स ऑफ डिस्ट्रप्शंस इन डोमेस्टिक प्रोडक्शन एक्टिविटी ड्यू टू लो प्राइस इंपोर्ट्स। क्योंकि इसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो कंट्री इंपोर्ट कर रही है उसकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होने का खतरा कंसिस्टेंटली उनके ऊपर रहेगा, क्योंकि इंपोर्टेड आइटम्स बहुत चीपर है और आप उस रेट पे बना नहीं पा रहे हो, तो कंसिस्टेंटली ये थ्रेट आपको कंपेल करता है कि आप डंपिंग जैसी एक्टिविटीज को रोके। नेक्स्ट स्टेप, डंपिंग ऑन द कॉन्ट्रारी कुड बी अ बेनिफिट इफ द होस्ट और रिसीविंग कंट्री हैज नो डोमेस्टिक प्रोडक्शन। इट इज डिफिकल्ट फॉर अ कंट्रीज सिटीजन टू रियलाइज that price charged by the companies which dump abroad are higher due to lack of access of information and layering of distribution chains. One of the most famous case of dumping was Sony in 1970 when the electronic giant used price discrimination strategy to sell TV at a higher price in Japan as compared to US, causing US manufacturers and Japanese consumers to open a protest forcing US to take an inquiry about it. अपने देश में महंगा बेच दिया दूसरे देश में सस्ता, तो यहाँ पे महंगा बेच के अपने देश में लोगों से पैसा कमा रहे हैं, वहां पे सस्ता बेच के वहां के लोगों से पैसा कमा रहे हैं, राइट। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है डंपिंग में। अब हमें टाइप्स दे रखे हैं, पहला है परसिस्टेंट डंपिंग, ऑल्सो कॉल्ड इंटरनेशनल प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, इट रेफर्स टू द कॉन्टिन्यूस एबिलिटी ऑफ द डोमेस्टिक मोनोपोलिस्टिक फर्म टू मैक्सिमाइज रिटर्न बाय डिस्क्रिमिनेटिंग By discrimination through selling commodity at cheaper price abroad. तो persistent में क्या है, हम continuously किसी भी product को international market पे सस्ते से सस्ता बेचने की कोशिश कर रहे हैं। So that is the case of persistent dumping students, right? Next है predatory dumping. It is a temporary arrangement of dumping in order to eliminate foreign competition by selling goods even below cost in other countries, right? मतलब जो तुम्हारी cost of production है उससे भी कम, क्यों, ताकि एक बार तुम लोकल इंडस्ट्रीज को पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर दो, फिर उसके बाद तो आप जो मर्जी प्राइस चार्ज करोगे वो आपको मिल जाएगा। तो चाइना भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल करता है स्ट्रेटजी का, चाइना की स्ट्रेटजी वो डंपिंग ही है स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि चाइना क्या करता है, चाइना बहुत सिंपली इस बात को काम करता है कि उसको पता है कि मुझे इंडियन मार्केट में इंडियन सेलर्स को, इंडियन प्रोड्यूसर्स को तोड़ना है। तो आप देख सकते हो चाइनीज प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं और वो बहुत सस्ते में आते हैं, क्वालिटी तो होती नहीं। अब इससे ये होता है कि लोगों के पास एक, क्योंकि आप स्टूडेंट हो, एक बेस्ट एग्जांपल मैं देना चाहूंगा आपको पेन का। बीच अभी भी काफी पेन तो वहां के चल रहे हैं लेकिन अभी थोड़े कम हो गए हैं वो वाले पेन। पहले ना थोड़े टाइम, अगर मैं आज से 4-5-6 साल पहले की बात करूं तो आपने देखा होगा ना वो पेन चलते थे, वो दो कलर वाले पेन होते थे, वो ये थे जैसे ग्रे और पिंक कलर का होगा, ब्लैक और ग्रे कलर का होगा, ग्रीन और पिंक कलर का, वो दो कलर के पेन होते थे और बस वो 2-2.5 रुपए का पेन आता था, ठीक है, लिखो और फेंक दो। उसके बाद एक और पेन आया था वो 3-2.5 रुपए का था, वो ट्रांसपेरेंट पेन था, उसमें रिफिल दिखती थी बट उसको रिफिल दोबारा कर नहीं सकते, उसको यूज करो एंड देन यू कैन जस्ट थ्रो इट, है ना। तो वो थे तो 2.5 रुपए में पेन मिला था और चलता भी ठीक था, स्मूथ था, चलने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्लस साथ में ऐसा भी नहीं था कि इनकी लीकेज की प्रॉब्लम थी या बहुत जल्दी रिफिल करने की जरूरत थी, ये भी प्रॉब्लम नहीं था, सो इट वॉज स्मूथ। तो दैट इज कॉल्ड प्रीडेटरी डंपिंग, के मतलब आप क्या कर रहे हो, प्रीडेटर की तरह बस सामने के टेरिटरी में जा रहे हो और उनको प्रीडेटर की तरह बिल्कुल खा जाते हो, खत्म कर देते हो, तो दैट इज प्रीडेटरी डंपिंग। चाइना बहुत ज्यादा करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में करता है कि सारे सामान को किसी भी तरीके से सस्ते कॉस्ट पर पहुंचा देना। अब उसके बाद लोगों को ये दिखता है कि एट द इनिशियल फेज ये तो बहुत सस्ता मिल रहा है, लोग ये चीज नहीं देखते कि वो सस्ता तो जरूर है बट बाद में उसके प्रॉब्लम आएंगी, बट खैर जो भी है। नेक्स्ट है स्पोरेडिक डंपिंग, हियर द गुड्स आर सोल्ड एट टाइम्स टू ले ऑफ एक्सेसिव प्रोडक्शन लेफ्ट अनसोल्ड इन डोमेस्टिक मार्केट विदाउट अटायरिंग डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस सिनेरियो।
इट इज ऑल्सो रेफर टू एज इन्वेंट्री रिडक्शन फ्रॉम ऑफ ऑफ डंपिंग। जैसे कि मान लो आपने बहुत बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में सामान बना लिया, अज्यूम करते हुए कि आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन उसको मीट कर लेगी, बट जस्ट इन केस अगर आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन मीट नहीं कर पाई तो आप उसको फिर इंटरनेशनल मार्केट में ज्यादा कम पे नहीं, ज्यादा डिस्क्रिमिनेट नहीं करते प्राइस को, ठीक है, बस कोशिश करते हो कि एक ठीक ठाक रेट पे बस सामान बिक जाए, क्योंकि अननेसेसरी इन्वेंट्री अगर पड़ी रही आपके पास तो आपका कैपिटल एंगेज हो गया, और कैपिटल एंगेज होने की सिचुएशन विल मेक यू विल लैंड यू टू लॉसेस। तो इसलिए जो स्पोरेडिक डंपिंग है उसका कहने का मतलब क्या है कि आप पूरी तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि जो डिस्क्रिमिनेटरी प्राइस सिनेरियो है उसको हम चेंज करें, दैट इज स्पोरेडिक डंपिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास है रेसिप्रोकल डंपिंग। इन दिस फॉर्म ऑफ डंपिंग देयर एग्जिस्ट टू मोनोपोलीज इन डिफरेंट कंट्रीज प्रोड्यूसिंग सेम गुड, अज्यूमिंग बोथ फेस सिमिलर मार्जिनल कॉस्ट, देयर ऑल्सो एग्जिस्ट सेम कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन टू इकोनॉमी। सो ये तो सिंपल है, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट, द एमर्जेंस ऑफ डंपिंग गिव राइज टू ट्रेड। ईच फर्म विल सेल अ लेस क्वांटिटी इन डोमेस्टिक मार्केट एज कम्पेयर टू फॉरन मार्केट एज सेल्स मैक्सिमाइजेशन विल ड्राइव डाउन डोमेस्टिक प्राइसेस। बोथ फर्म्स वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस इन अपोनेंट्स मार्केट एट लोअर प्राइसेस, है ना। उनको तो अपने मार्केट में डर है कि सप्लाई ज्यादा किसी प्राइस कम हो जाएगा, दूसरे की मार्केट में चलते हैं उसको तोड़ने की बस किसी भी तरीके से कोशिश करते हैं, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सूर्य रखा है एक्सपोर्ट सब्सिडीज, जिसकी वजह से डंपिंग बहुत आसान हो पाती है। फॉर प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स गवर्नमेंट्स ऑफ एक्सपोर्टिंग नेशंस ग्रांट सब्सिडीज टू द प्रोड्यूसर्स इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर्स, है ना। वो क्या क्या है कि देखो एक्सपोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट्स क्या करती हैं, कई बार एक्सपोर्टिंग नेशंस को सब्सिडीज देती हैं, राइट, ठीक है। कैसे करके, डायरेक्ट ट्रांसफर्स की फॉर्म में, या फिर टैक्स एग्जेम्पशंस की फॉर्म में, या फिर इंटरेस्ट, जो भी आपका आप काम कर रहे हैं तो आपका लोन जो है वो कम कर दिया जाएगा, लोन अमाउंट कम कर देंगे, इंटरेस्ट रेट कम करेंगे, तो इंटरेस्ट कम होने से आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर आपकी कम हो गई तो इवेंचुअली ये आपको बेनिफिट देगा। द सब्सिडीज ऑन एक्सपोर्ट्स हेल्प टू कीप डोमेस्टिक प्राइसेस ऑफ द एक्सपोर्टेड गुड्स हायर व्हाइल दे एक्ट टू लोअर वर्ल्ड प्राइसेस। सो दीज सब्सिडीज एट टाइम्स आर ऑल्सो प्रोवाइडेड टू द फॉरेन कंज्यूमर्स ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्ट्स फाइनेंस थ्रू एजेंसीज लाइक एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक। वन कैन व्यू दिस एज अ फॉर्म ऑफ डंपिंग वेयर बाय इनकम इफेक्ट इंड्यूसेस ग्रेटर परचेजिंग पावर टू द फॉरेन कंज्यूमर्स, ठीक है। इन 1999 WTO ruling considers export subsidies as illegal with respect to a case between US and European Union whereby US was held quiet for making provision in its domestic tax code to facilitate tax exemptions for corporations setting up subsidies abroad। ये चीज मैंने आपको समझाया था कि कई बार प्रॉब्लम हो जाता है तो इसके ऊपर US ने प्रॉपर एक अपनी कमीशन बिठा रखा है जो इस चीज को जांच करता है कि अगर कोई कंट्री से उसकी कंट्री में कोई भी सामान आ रहा है और उनको उस कंट्री के अंदर बहुत अच्छे खासे अमाउंट में एक्सपोर्ट सब्सिडीज दी जा रही है, तो ये जो US के डोमेस्टिक सेलर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उनको दिक्कत दे सकता है। तो इस चीज से बचने के लिए स्टूडेंट्स US ऐसे केसेस में क्या करता है, अपनी कंट्री में जैसे ही कोई भी सामान लैंड होता है, जैसे ही कोई सामान इंडिया उसकी कंट्री में पहुंचेगा, वो उसके ऊपर टैरिफ लगाने शुरू कर देगा, जिससे कि वो जो कॉम्पिटिशन करे, फिर वो सीधा क्वालिटी में कॉम्पिटिशन करे, प्राइस कॉम्पिटिशन जो उसके डोमेस्टिक फॉर्म्स के साथ हो सकता है उसको एलिमिनेट किया जाए। क्योंकि देखो स्टूडेंट्स, कहीं भी जाओ, कैसे भी लोग हो, तो ज्यादातर जो प्राइस कंपटीशन है वही प्रिवेल करता है, क्योंकि प्राइस कंपटीशन इज समथिंग जो ज्यादा कंसर्निंग होता है, जिसमें ज्यादा लोग क्या करते हैं, थोड़ा बेविल्डर हो जाते हैं कि भाई प्राइस का मैटर है, थोड़ा देख लेंगे, राइट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सूरन टॉपिक है स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी। अ न्यू डेवलपमेंट हैज बीन विटनेस्ड अक्रॉस द ग्लोब वेयर बाय नेशंस हैव रिसॉर्टेड टू एक्टिव प्रोटेक्शनिस्ट आउटलुक टू सेफगार्ड देयर नेशनल इंटरेस्ट यूजिंग पॉलिसी मिक्स। Policies and regulations have been so formulated so as to create all sort of barriers, ठीक है, using trade protections, taxes, subsidies, government support, which strengthen domestic producer confidence। मतलब पूरी तरीके से कोशिश ये की जा रही है कि policies बनाई जाएं, regulations लाए जाएं इस तरीके से ताकि जो domestic trade हो उसको protect किया जा सके। देखो सूरन, more or less जो picture होती है international business में भी वो यही रहती है कि जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज हैं, पहले उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाए, क्योंकि अगर उनका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट नहीं होगा तो आपकी कंट्री की नेशनल इनकम कभी ग्रो नहीं कर पाएगी, परचेजिंग पावर कभी बढ़ नहीं पाएगा, और देयर विल बी ऑलवेज ड्रेन ऑफ फॉरेक्स कि आप देते चले जाएंगे फॉरेन के देशों को, जैसा कि हाल प्रेजेंट टाइम में हम देख सकते हैं किसका हुआ, पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान ने अपना कोई भी सेटअप नहीं बनाया,
ठीक है, मतलब अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन को, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट नहीं किया, सिर्फ रेमिटेंसेस के ऊपर, जो हमने बीओपी में जो हम आगे एक टॉप चैप्टर आएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, उसमें हम पढ़ेंगे कि एनआरआई रेमिटेंसेस के दम पे जो नॉन रेजिडेंट्स हैं उनके बस दम पे जितना भी फॉरेक्स उनके देश में आता गया उसी से वो काम चलाते गए। तो इसलिए आपको इंटरनेशनल ट्रेड में इन्वॉल्व होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, ये आपको बेनिफिट देता है। लेकिन जब तुम इम्पोर्ट करते हो तो उस चीज में तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि इम्पोर्ट बहुत रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए, केवल उन चीजों का होना चाहिए जो आपकी कंट्री एब्सोल्युटली कंडीशन में नहीं है प्रोड्यूस कर पाने के। इफ यू थिंक कि आपकी कंट्री के पास कोई भी प्रोविजन है, आप उन चीजों को बना सकते हैं, तो उन चीजों को बनाना चाहिए, उन चीजों को किसी भी केस में आपको इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए। राइट, सच स्ट्रैटेजीज आर मोर विजिबल इन प्रोडक्ट्स विच इन्वॉल्व हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट having great future, long term returns, or when a nation has a comparative advantage alongside. Products like technology, instruments including computers, transistors, semiconductors and agricultural output have remained in focus of such strategies. वो कह रहे कि जैसे इनमें कौन से प्रोडक्ट है, टेक्नोलॉजी इंस्ट्रूमेंट्स हो गए जिसमें कंप्यूटर की बात की गई है, ट्रांजिस्टर्स की बात की है, सेमीकंडक्टर तो देखो बहुत हॉट चीज है इस टाइम पे, पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स को लेके बहुत परेशान है क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज है। सो एवरी कंट्री वॉन्ट्स के वो अपने डोमेस्टिक प्रोडक्शन में सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस करें क्योंकि सेमीकंडक्टर इज गोइंग टू बी द फ्यूचर स्टूडेंट्स। एक छोटी सी बस सिंपल सी बात है कि जितने भी सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्रीज है उनका फ्यूचर है, क्योंकि सेमीकंडक्टर वो जो ग्रीन वाली, आपने कभी कोई रिमोट अपने घर पे खोल के देखा होगा या कभी मदरबोर्ड देखा होगा, ग्रीन जो पूरी का पूरा बोर्ड होता है जिसपे सारे के सारे जो आईसी और जो भी वो ट्रांजिस्टर वगैरह जो भी प्लेस किए जाते हैं सोल्डरिंग करके, उसे बोलते हैं सेमीकंडक्टर। तो अब आप ये सोच के देखो फ्यूचर में एआई और सब कुछ टेक्नोलॉजिकल होने वाला है तो उनका वर्किंग होगा कैसे, उन्हीं प्लेट्स पे, उसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। सो एग्जाम्पल ऑफ प्रो एक्टिव स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी ऑफ जापान कैन बी सिटेड वे गवर्नमेंट लीडरशिप एनफोर्स पॉलिसीज हेल्प देम अपकमिंग इंडस्ट्री टू गेन एडवांटेज। इन 1970s द मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री यूज फाइनेंसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट टैक्स ब्रेक्स ऑन फोकस्ड इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक प्राइवेट कॉपरेशन टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री विच अल्टीमेटली कन्वर्टेड जापान। ठीक है, तो वो कह रहे कि बस एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि उस टाइम पे 1970 में क्या कोशिश की गई कि बस कैसे भी करके ऐसी पॉलिसीज आई जाए, ऐसी स्ट्रैटेजीज को स्टूडेंट्स बिल्ड किया जाए जिससे कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है बहुत ज्यादा हाईलाइट की जा सके, बहुत अच्छे से कही जा सके, क्योंकि टेलिंग यू अगेन एंड अगेन, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। जब तक आपका जीडीपी स्ट्रांग नहीं होगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन स्ट्रांग नहीं होगी, तब तक आपकी बैकबोन स्ट्रांग नहीं होगी। फॉरन में एक्सपोर्ट करके सामान पैसा कमाना इज ओके, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है कि भाई डोमेस्टिक प्रोडक्शन हो, सिर्फ इम्पोर्ट्स के भरोसे आप नहीं रह सकते। एक दिन आएगा अगर आप इम्पोर्ट्स के भरोसे हैं तो आपकी कंट्री पूरी तरीके से डिपेंडेंट हो जाएगी फॉरेन के ऊपर। ठीक है, और जैसा कि 1991 में इंडिया के साथ हुआ या जैसा कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के साथ हो रहा है, ये सिचुएशंस को फेस करने की जो नौबत है वो आ जाएगी। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है, आगे हमें देखो क्या दिया हुआ है। Apart from the development effects of such strategies, one cannot blindly ignore the repercussions of such policies in the long term. There are several difficulties to put forth such policies as it involves different aspects which need to be analyzed. As a direct problem, selection of a strategically viable and important industry is a difficult task for an economy, especially developing one. Favoritism as a strategy can also prove detrimental for other upcoming industries in developing economies, for each which nations need to clearly explore their comparative advantage in. With respect to such strategic policies, one cannot ignore the role of developed or dominant economies in form of counteractions which collectively could balance out the effects. Strategic policies also create a greater problem after implementation for other countries, the evaluation for which in advance is not feasible. Such policies prove out to be begging thy neighbor. Free trade thus is viewed as a utopian argument towards cooperative world trade relation which every nation must strive. So, वो बोल रहे कि जो strategic policies है उनको कैसे, one cannot ignore the role of developed or dominant economies in the form of counter actions. क्योंकि अगर आप कोशिश ये करेंगे कि जो developed economies है उनके against आप चीजों को बनाते रहोगे तो they will definitely try कि किसी भी तरीके से वो आपके डोमेस्टिक प्रोडक्शन को तोड़ दे, क्योंकि देखो उनको बात वही आ गई ना कि भाई अगर ये लोग खुद ही बना लेंगे
ठीक है, तो फिर हम डोमिनेट कर कैसे पाएंगे? लाइक यूएस है, अगर यूएस को ये पता चल जाए बाकी दुनिया के अंदर कैपिटल टेक्निक्स बढ़ने लगी हैं, आईटी वहां का बढ़ने लग गया, तो यूएस तो बर्बाद हो गया, उसके पास कुछ बचा नहीं। तो बड़ी कंट्रीज कभी भी चाहेंगी ही नहीं कि जो डोमेस्टिक फॉर्म्स है वो इतना ऊपर ग्रो कर पाए, क्योंकि वो हमेशा चाहते हैं कि जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज है वो हम पे डिपेंडेंट रहे, ओनली देन हम, क्योंकि उनको फीड कर पाएंगे हम, ठीक है, फीड एज इन के सामान दे पाएंगे, तभी हम बन पाएंगे बढ़िया इकोनॉमी। उनको बनाना है फीडर इकोनॉमी। फीडर इकोनॉमी कौन सी होती है स्टूडेंट? फीडर इकोनॉमी वो होती है जो किसी और कंट्री के लिए सारे काम करके देती है, राइट? लाइक मान लो जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फीडर इकोनॉमी के तौर पे यूज किया, कि इंडिया में सारे के सारे सेटअप को लगा दिया गया था, इंडिया को रॉ मटेरियल के मतलब एक एक्सपोर्ट के तौर पे यूज किया जाता, सारी फिनिश गुड की जो प्रोडक्शन थी वो ब्रिटेन में होती थी, वो लोग फिनिश गुड बेचते थे, तो हम उनको रॉ मटेरियल के सप्लायर थे, और वो एक तरीके से हमारे पास क्या बन गए थे, वो हमारे पास बन गए एक बढ़िया लोग जो क्या कर रहे थे, हमसे सामान खरीदे थे। तो ये चीज हमें जो है वो देखनी पड़ेगी, राइट? ठीक है, तो स्टूडेंट अब हमें दे रखा है स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी के फेवर में कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। एडवांटेज बाय क्रिएटिंग कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज, तो कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्रीज जो है, ठीक है, वो बना करके एक एडवांटेज है। क्रिएशन ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स फ्रॉम अक्रॉस डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड मार्केट्स, ठीक है, यहाँ पे क्या है, रेवेन्यू आएगा और प्रॉफिट्स आएगा वर्ल्ड से पूरा। एम्फेसिस ऑन द रोल ऑफ गवर्नमेंट स्पेशली इट्स रेगुलेटरी रोल, वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के रोल के ऊपर एम्फेसिस दिया गया, क्योंकि रेगुलेशन वही बना सकती है। सच पॉलिसी इज ऑल्सो एडवांटेजियस ओवर फ्री मार्केट पॉलिसी, एज स्टिल सम डोमेस्टिक एडवांटेज गेट कॉम्प्रोमाइज वाइल ओपनिंग अप एन इंटीग्रेशन विद वर्ल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि इसमें से कुछ पॉलिसी जो है एडवांटेजियस हो सकती है, क्योंकि फ्री मार्केट पॉलिसीज है बेस्ट सुटेड स्ट्रेटेजी फॉर डेवलपिंग इकोनॉमीज, है ना, डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए बेस्ट है, ठीक है। अगेंस्ट के अगर मैं पॉइंट की बात करता हूं, तो यहाँ पे एक ही पॉइंट है हमारे पास अगेंस्ट में, प्रोटेक्शन ऑफ सच फॉर्म इज पॉसिबल फॉर अ स्मॉल मैनेजेबल स्केल ऑफ इंडस्ट्री। वो कह रहे हैं कि देखो अगेंस्ट क्या है, कि अगर मान लो कि बहुत छोटी तरह की इंडस्ट्री है, मैनेजेबल स्केल ऑफ इंडस्ट्री है, तो उनके लिए प्रोटेक्शन लेके आ पाना थोड़ा सा मुश्किल है, राइट? तो स्टूडेंट ये सारा का सारा जो अभी तक हमने पढ़ा, ये हमारे सारे पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो हमने अब तक बात करी। इस पूरे चैप्टर में आपने ये पढ़ा कि इंटरनेशनल ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करने के क्या तरीके हो, व्हाट आर द वेज बाय विच यू कैन एक्चुअली रिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब अगर मैं फॉरेन के साथ कोई भी ट्रेड करता हूं, तो उसको करने के क्या क्या, मतलब रिस्ट्रिक्ट करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, या उसको अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो उसके क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्योंकि समटाइम एक्सपेंशन इज नेसेसरी और समटाइम रिस्ट्रिक्शन इज नेसेसरी। तो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि आप डेवलपिंग हैं, डेवलप्ड हैं, या क्या सिनेरियोज आपकी कंट्री में चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आपको कई बार अपने ट्रेड को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है और कई बार ट्रेड को एक्सपैंड करना पड़ता है। तो इस चैप्टर में हमने वो सारी पॉलिसीज पढ़ ली, स्ट्रेटेजीज पढ़ ली, जिससे हम ये सब कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कीपिंग दैट टिल नेक्स्ट क्लास में, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया, तो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद टोटल न्यू चैप्टर, न्यू टॉपिक, ठीक है। तब तक जितनी वीडियोस आपके पास आ चुकी है उन्हें साथ साथ रिवाइज करना शुरू करो, क्योंकि इनके बाद फिर हम 10 इयर्स पे भी शिफ्ट होंगे, हमें 10 इयर्स के क्वेश्चंस भी करने हैं, ताकि कॉन्सेप्ट समझ लिए, उन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन कैसे आते हैं वो हम देख पाएंगे, राइट? चलो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।